SBS एक रेनॉन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है। ये ऑफर कर रहे हैं रेंज ऑफ, जब इतना बड़ा सवाल नजर आए ना तो एक दफा एंड पे देख लेना चाहिए पूछ क्या रहे हैं। पेस्टल एनालिसिस, जब उन्होंने पेस्टल एनालिसिस कहा है तो आपने फौरन से आप पेपर में गए, डिपेंड करता है आप कितना लिखते हैं, 3 सफे या 2 सफे। 10 नंबर का सवाल है, आप 3 सफे पे पहुंच गए और पहले पे लिख दी हेडिंग पॉलिटिकल, दरमियान में आके आपने लिख दिया इकोनॉमिक, अगले पेज पे गए सोशल, फिर उसके दरमियान में लिखा टेक्नोलॉजिकल, फिर लिखा इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, फिजिकल एनवायरमेंटल और लीगल। आपने पेस्टल पूरे करके 3 सवाल फैला दिए। अब आपने सवाल पढ़ते जाने और जो एरिया जिस जिस जगह क्लासिफाई हो रहा है और एक से ज्यादा जगह हो रहा है तो आपने वहां पे लिखते जाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने दुआ करनी है कि अल्लाह करे इस तरह का सवाल आए जो हमसे मॉडल की एप्लीकेशन मांगे, क्योंकि मॉडल की एप्लीकेशन मांगने वाले जो सवाल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से आंसर हो जाते हैं और आईकेएफ को लगता है कि हमने बड़ी मेहनत की है। एक स्कूल है जिसके बारे में बता रहे हैं और आपने फैक्टर्स को क्लासिफाई करते जाना है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है और रेंज ऑफ डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं किसमें, बिजनेस में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीजों में ये काम कर रहे हैं। अभी इनकी बात हो रही है, जब इनकी बात हो रही है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। पेस्टल हमेशा एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा। आपको क्या क्या फैक्टर्स दरपेश है, स्कूल बूस्ट अ स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, हाई क्वालिटी रिसर्च, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये सारी इंटरनल बात हो रही है। अगर ये स्वॉट एनालिसिस होता तो हम स्ट्रेंथ वगैरह में काफी सारी बातें लिखने की पोजिशन में होते, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने पेस्टल एनालिसिस करना है। पेस्टल में आपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट, अच्छा ये पहला पैरा पढ़ के आपको समझ आया कि इसमें आपको काम की चीज नहीं मिलेगी और सारी बातें आगे हैं, तो व्हाई नॉट के पेपर में आप इस तरह से लाइन लगा दें। वरना पता क्या होता है, बंदा सवाल को बार 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 पूरा पढ़ता रहता है और हर दफा याद आता है ओहो यार नहीं इसमें तो कोई काम की बात नहीं। तो आपने पहला पैरा को उड़ा दिया। अब आपने ये अगले 2 पैराग्राफ पढ़ने और जरूरत पड़ने पे एक से ज्यादा दफा पढ़ने हैं। 10 नंबर का सवाल है, मैथमेटिक्स ही कहती है कि 10 को आप मल्टीप्लाई कर दे 1.8 से, तो जवाब आ गया। अगर आपने 18 मिनट दे दिए सवाल को तो मैथमेटिकली करेक्ट है। मैं ये मानता हूँ कि फार्मूला ही बड़ा गलत है। जो सवाल आता है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, भले 2.5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे या बड़े खराब आते होंगे, तो हो सकता है 10 नंबर का एक सवाल सबसे एंड पे करें जिसपे आपने मुश्किल से 5 मिनट लगाने। तो आप इस तरह का फार्मूला लगा के जो सवाल आते हैं उसके एलोकेटेड टाइम तो ना ना कम करें, जो आते हैं उसके एलोकेटेड टाइम उसको अच्छा दिया जा सकता है। तो जो अच्छा सवाल आता है उसको 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं 10 को अगर 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं समझ आ जाएगा कि अगर मैंने 20 से 25 मिनट भी लगा दिए सवाल पे तो कोई बहुत बुरी हरकत नहीं की मैंने, ये बड़ी अच्छी बात है। SBS ने ग्रांट्स रिसीव की हैं गवर्नमेंट से टू सपोर्ट इट फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट से इनको ग्रांट्स रिसीव हुई है। कोई फैक्टर कहीं आपको लग रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल? पॉलिटिकल, गवर्नमेंट इनको ग्रांट्स देती है, ये पॉलिटिकल फैक्टर है जिससे इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाता है एक तरह से। हाउएवर ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड डिटोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री द एजुकेशनल सेक्टर हैज एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन ग्रांट्स ओवर पास्ट ईयर। अब पॉलिटिकल फैक्टर क्या बना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और रिडक्शन इन ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी नजर आया, डिटीरियोरेटिंग क्या हो रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आप इकोनॉमिक फैक्टर में चले गए और आपने कहा कि कंट्री इज फेसिंग बैड इकोनॉमिक कंडीशन, या अगर आपको नहीं वो हो रहा तो किताब की इंग्लिश उठा के लिख दिया डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। हो सकता है आपको ये भी ना समझ आए कि डिटीरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, खराब या अच्छा, तो कोई बात नहीं आप यही लिख दे वहां। पेस्टल नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होता है, पेस्टल तो होता है एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स बताएं जिनके साथ आपका, तो आप कहेंगे हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन डिटेरियोरेटल हो चुकी है। अब आइए खुद ही सोचता फिर कि ये जो मैंने ओखा सा लफ्ज लिखा था इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, डिटेरियोरेट का मतलब होता है कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना। अच्छा, फर्दर इट हैज बीन अंडर कंसिडरेशन दैट ग्रांट शेल बी गिवन टू अ यूनिवर्सिटी ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन एंड इट्स रिलेटेड बिल हैज रिसेंटली बीन प्लेस्ड बिफोर नेशनल असेंबली। कानून पास हुआ है
लीगल लीगल में जाके कहते हैं कि जी वो एक कानून पास हुआ है जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करेगा, और उसी उसी ने बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलेगी। तो ये कानून है, और कहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है ऑन HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। कंपेटिटिव रहने के लिए SSB नहीं था, SBS था। SBS has invested heavily in latest software and technology for its education program. इन्होंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है ताकि अपने एजुकेशन प्रोग्राम को लेके चल सकें, टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन। नहीं जी, क्या बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल बात हो रही है। वही वाली बात है कि हर जुमला पढ़ने के बाद एकदम हेडिंग देख लें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, या टेक्नोलॉजिकल की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजिकल में हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने SBS हैज इन्वेस्टेड हेविली इन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर। अब ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों है, इसका मतलब है कि सोशल कंसिडरेशन आपको समझ आ गई कि लोग ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, फिजिकल क्लास भी लेते हैं। इट इज ऑल्सो रिजर्विंग सीट एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इज वर्किंग ऑन स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम विद वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके ये इंटरनेशनल डिग्रियां देना चाह रहे हैं उनके बच्चों को यहाँ, और यहाँ के बच्चों को वहां अकोमोडेट करवाना चाह रहे हैं। अब ये हमें पॉलिटिकल तो नजर नहीं आ रहा, धक्के से पॉलिटिकल हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, ये इकोनॉमिक भी नजर नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं है, इकोलॉजिकल तो पता नहीं क्या चीज होती है, फिजिकल एनवायरमेंट, और लीगल भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ हम कहेंगे कि ये सोशल है कि आप अपने पास ज्यादा उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी क्वालिफिकेशंस को अपने पास लेके चलना चाह रहे हैं। SBS लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूड लॉन्चिंग वेरियस ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड ओपनिंग फैसिलिटेशन ऑफिस इन कंट्रीज विद हाई पोटेंशियल फॉर कोलेबोरेशन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन सोशल के अंदर ही काफी ज्यादा बात चल रही है। तो सोशल के अंदर फैक्टर्स हो गए, इस तरह के सवाल में अगर किसी हेडिंग के नीचे नहीं लिखा हुआ तो परेशानी की बात नहीं है। अब हमने पॉलिटिकल में कुछ लिख दिया है, इकोनॉमिक में कुछ लिख चुके हैं, अब इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ चूंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो आप कह देंगे इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट और उससे रिलेटेड हमारी कंसिडरेशन हो सकती है। गवर्नमेंट हमसे जो है वो पूछ सकती है कि हाँ भाई आपका क्या वो है, आपके कितने रिजर्व हैं, कितने रिसीट्स, इतनी पेमेंट्स हैं। अच्छा, पॉलिटिकल आपने देखा दो तीन लाइनें मिल गई, इकोनॉमिक में एक आध लाइन मिली, एक लाइन आपने धक्के से डाली, सोशल में काफी कुछ मिल गया, टेक्नोलॉजिकल में दो लाइनें मिल गई, इकोलॉजिकल सवाल में कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं था तो आपने इस हेडिंग को उड़ा दिया। पेपर में भी कोशिश करेंगे जो चीज अभी किताब में आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप लीगल हेडिंग दें, और अगर सवाल में कुछ मिल जाए तो इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो आपकी किताब ने आपको समझाया तो है नहीं। और लीगल के अंदर भी आपने कुछ दो तीन बातें तो लिखी हुई थी। तो 10 नंबर का सवाल है, अगर मैं ज्यूम करूं कि 5 हेडिंग और हर हेडिंग के अंदर जो एरिया दिया हुआ है उसके मार्क्स, तो तकरीबन आधा आधा नंबर तो सिर्फ हेडिंग देने का होगा और डेढ़ डेढ़ नंबर मोस्ट प्रोबली उसके अंदर फैक्टर्स लिखने का होगा। तो इस तरह का सवाल जो देखने में हैवी लग रहा होता है ये नंबर्स बहुत अच्छे दे देता है। तो Spring 23 में क्वेश्चन नंबर 6 जिसने पेस्टल फैक्टर्स हमसे पूछा है, तो एक वक्त में आईके क्या चालाकी करता है कि वो एक सवाल से 3-4 चैप्टर्स को इकट्ठे टेस्ट कर लेता है। ये सबसे आसान तरीका है अगर पेपर में नंबर कम है उनके पास और वो ज्यादा एरिया को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियली आपको पेस्टल के सवाल जो किताब में प्रैक्टिस के लिए मिले वो, नहीं तो फिर आप ChatGPT ओपन करें और उसको कहेंगे जी मुझे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर पेस्टल एनालिसिस के लिए केस स्टडी जनरेट कर दो। तो उसने टेक्सटाइल की किसी कंपनी की एग्जाम्पल लेनी है, आपको एक पूरा सिनेरियो जनरेट कर देना है और फिर आपने कहना अच्छा बताओ इसको डिवाइड करो फैक्टर्स में, तो डिवाइड करके आपको बता देगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किसको इकोनॉमिक कहना है, किसको सोशल कहना है, किसको पोलिटिकल कहना है। डन। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था पेस्टल के ऊपर।